भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि सपा बसपा सरकार में नौकरी पाने के लिए खेत बेचकर रिश्वत दी जाती थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर लाखों नौकरियां दी हैं और एक रुपया भी नहीं देना पड़ा। उन्होंने कहा, हमने घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प जो लिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए हैं। मोदी जी की गारंटी यानी कि पूरा होने की गारंटी है। तमाम समीकरण को ध्वस्त करते हुए भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। लगातार दो बार जीते हैं, भारी बहुमत से जीते हैं और तमाम समीकरण को ध्वस्त करते हुए जीते हैं, तो तीसरी बार भी जीतेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और जो 400 पार का नारा था वो जन आंदोलन बन गया है। आज गांव, गली, मोहल्ले हर तरफ से आवाज़ आ रही है, अब की बार 400 पार। और आप देखते होंगे कि तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनके मुंह से भी ये निकलने लगा है, तो निश्चित रूप से इसमें किसी तरह का संचय नहीं है, क्योंकि जो हमारा संकल्प पत्र है, हमने कोई घोषणा पत्र नहीं, हमने संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प जो हमने लिया है उसको पूरा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जितने संकल्प लिए पूरे होंगे, पूरे किए हैं। मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी।